एक बीड़ी की वजह से लड़ाई हुआ वहाँ पे। इधर से आया आते उसको जो चक्कू मारा यहाँ कंधे पे जो लगा वही ऐसा हो गई। बच्ची गोद में थी, उसके गोद में लड़की थी, फिर उसने पेट में फटाफट फटाफट चक्कू मारा। वो आती मेरे बच्ची को दूध पिला रही, ऐसे चक्कू मार रहा मुझे जैसे जान से खत्म कर दे। दो तीन बार मिलाया सौ नंबर, चार बार सौ नंबर मिलाई, फिर भी नहीं आया। पुलिस वाले के सामने बोला मैं पड़ी जगजीवन में, कह रहा तुम दो मिनट के लिए छोड़ दो, मुझे पाँच सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं इसको मर्डर करके जेल जाऊंगा। मेरा अभी तक दरखास्त भी नहीं गया, मैं कोर्ट में दरखास्त करूँ कहाँ करूँ, मेरे पास इतना कोड ही नहीं है जो मैं कोर्ट में भी करूँ इसमें भी करूँ भागू। मैं बस चाहती मेरे को इंसाफ। आप देख सकते हैं किस तरह से इनको भी चाकू से हमला किया गया है, और तीन चार शिकायत करी पुलिस ने, कोई भी देख लो आप, अभी तक पुलिस नहीं आई, ना कोई एक्शन है ना कुछ है। मेरी साली साहब ना पड़ी है, साला ना पड़ा है, घर अकेला और हम खुद घर से नहीं निकलने डर के मारे। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के भलसवा डेयरी के जेजे कॉलोनी में, और यहां से एक दिल को दहला देने वाली घटना सामने निकल के आ रही है। आपको बता दें कि मात्र एक बीड़ी मांगने के बाद एक विवाद होता है, और जिसके बाद एक महिला के ऊपर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया जाता है। आइए जानते हैं महिला की जुबानी इस वारदात के बारे में। जी, आपका नाम? रुबीना। जी, आपके साथ क्या कुछ हुआ है? मेरे साथ हुआ है, एक बीड़ी के लिए लड़ाई हुआ है। एक लड़का है जो बीड़ी मांग रहा था मेरे हस्बैंड से, तो मैंने उस बीड़ी के लिए मेरे हस्बैंड से लड़ाई ना हो जाए मैं भाग के जाके हस्बैंड को लाके घर में कुंडी लगा दी। लगा के मैं उनको समझा रही थी, जाओ अपने घर जाओ, लड़ाई झगड़ा करने से ईद त्योहार है क्या फ़ायदा लड़ाई झगड़ा करके। उसको मैंने भगा दिया, मुझे नहीं पता। वो आके तुरंत, मैं अपनी बेटी को दूध पिला रही थी, आके तुरंत उसकी बीबी, उसकी साली और वो तीनों आके, मैं सोची बात करने आए होंगे। वो आती मेरे बच्ची को दूध पिला रही, ऐसे चक्कू मार रहा है मुझे जैसे मैं जान से ख़त्म कर देगा वो मुझे। मैं घबरा के मैं क्या करूँगी, मेरा भाई आया भाग के छीन लिया मेरा बच्चा, तो उसको भी चक्कू मार दिया, धक्का डुक्की मारा, बहुत बहुत हुआ। फिर मेरे को तो होश ही नहीं था जो मैं पड़ जाऊँ। मैं तो मेरे को फिर बाबूराम जगजीवन लेके गया, बाबूराम जगजीवन ने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया लोकनाक, लोकनाक में मेरे को भर्ती करा दिया। मैं तीन दिन रह के आई, आके घर आके पता करी तो उस बंदे को छोड़ दिया 7 लाख में, और जो भीड़ वाला ले गया था वो था भीड़ वाला का नाम ये अनिल था, सुनील था, और एक भीड़ वाला सुकसा क्या नाम था उसका, बबलू, बबलू उसको लेके गया था। लेकिन मैंने देखा था बबलू उसको पकड़ के जज मैंने उसकी भी मेडिकल करा रहा था, लेकिन वो तो ऐसा किसने चक्कू मारा वो, उसका नाम क्या है? उसका नाम केटा है, उसका असली नाम हफीजुल सफीजुल है। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी उम्र 30-35 साल का होगा वो जी। हाँ, वो हाईलाइट है, वो जेल में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा भर जेल में ही रहता है वो। हाँ, अभी आया छूट के, ईद से रमज़ान से पहले छूट के आया था वो। अब ऐसे वारदा ना सबको सुना रहा था, मार के जाऊँगा, मार किसको मार के जाएगा ये नहीं हमें पता। हमें बाद में पता चला कि वो पहले से ही गुनगुना रहा था मारने का। अब वो मारे किसको मारे हमें तो देख लेता, मेरा तो 4 बच्चे हैं मेरे पेट में, ऐसा मार रहा अगर मैं मर जाती क्या होता मेरा। और पुलिस वाले का देखो ना, मेरे को लगा मेरे ये पसली में दिखाऊं खोल के मेरे पस, यहाँ है देखो ये टाका लगा हुआ है ये पसली में, और ये देखो कैसे चक्कू ऐसा मार रहा था। मैं यूं नहीं बचाती ना, तो वो ना मेरे को कितने चक्कू मारा आपको? मेरे को मारा 3 चक्कू मारा, तो 4-5 चक्कू मैंने बचाव कर लिया ना उसको, रोक जो इधर से उधर से निकल गया। मेरे को मारा उसने 5 चक्कू, लेकिन लगा मेरे को 3 चक्कू, पूरी चक्कू 3 ही सही लगा, और लगा ऐसे तो मैं बता नहीं सकती। वो दहशत मैं अभी भी दिल से हटा नहीं सकती हूँ, और जख्म भी भरा नहीं है। बंदा छूट गया, उसको छोड़ दिया पुलिस वाले के पैसे का, मेरे पास पैसे नहीं इसके मतलब, तो पुलिस वाला तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, जब चक्कू मारा जा रहा था तो कोई बचाने आया आपको? बचाना है मेरा छोटा वाला भाई है, यही बचाया था, और मेरी सिस्टर थी जो उसको लेके गिर गई थी, जो ये मानना था। फिर भी वो चक्कू मारे, चक्कू नहीं छोड़ा भाई, वो चक्कू नहीं छोड़ा। मेरी भाभी उसने उसका चक्कू पकड़ के खींच के तब निकाला। अच्छा, ये घटना कब की है? ये घटना है ईद के दिन 7:30-7:30 करीब की है ये घटना। तो आप लोगों ने FIR दर्ज कहाँ करवाई? हमने FIR दर्ज कराया, पहले 100 नंबर कॉल करा, 100 नंबर तो आया नहीं है। जब चक्कू मारने से पहले मैंने, मेरे दिल में दहशत हुआ तो मैंने 100 नंबर कॉल करा, 100 नंबर तो आया नहीं, बारदाने में आया नहीं। दो तीन बार मिलाया 100 नंबर, 4 बार 100 नंबर मिलाई, फिर भी नहीं आया। मैंने फिर घर बैठ गई, मैंने चलो कोई बात नहीं ठंडा हो जाएगा मामला। वो आते ही मार दिया उसने। फिर उसके बाद बाबूराम जगजीवन हमारे घर वाले सब ने उठा के मुझे लेके गया, वहाँ पर मेडिकल करानी, उसने लोकनाक भेज दिया मुझे, लोकनाक भेज दिया। लोकनाक से मैं 3 दिन रह के मैं आई हूँ अब 3 दिन रह के। अब कौन से पुलिस स्टेशन में आप FIR दर्ज करवाया? ये भलसवा जे कॉलोनी
पुन्नीवास भलोसपा जेजो कॉलोनी पुन्नीवास है, इनका थाना है। और आईओ, आईओ का तो नाम नहीं मुझे पता, आईओ मुझे कह रहा आपका कार्रवाई होगा होगा, लेकिन ये अपनी पता उसका कार्रवाई। लड़का बंदा छूट के मेरे को मैसेज भेज रहा है, दूसरे के हाथ में एक लड़का आया था कल, कल तो इतना 3-4 बार तो लड़के घूमे, मेरे को लगा बाहर का लड़का ये तो यहाँ का तो है नहीं। उसने मंगवाया तो मुझे बोला मेरा 7 लाख गया ना, मेरा 7 लाख गया है तो मैं भी दिखाऊंगा। तो ऐसे बोलते बोलते यार मुझे पता है 7 लाख तो उसी ने दिया है पुलिस को, जब अगवा फैल रहा है तो उसी ने दिया 7 लाख। धमकी दे जा रहा है, दूसरे को बोल रहा है कि मैं मारूंगा, पुलिस वाले के सामने बोला मैं पड़ी हूँ जगजीवन में, कह रहा है तुम 2 मिनट के लिए छोड़ दो मुझे, 5 सेकंड के लिए छोड़ दो, मैं इसको मर्डर करके जेल जाऊंगा। डॉक्टर तक कभी वहाँ साहब पुलिस वाले के साथ भी उसने हाथापेर करा, फिर भी पुलिस वाले उसके साइड हो गए। पैसे की कीमत है दुनिया में, हमारी कीमत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी कीमत इसलिए रख दिया कि हम पैसे दे नहीं पाए आईओ को, या पुलिस वाले प्रशासन को नहीं दे पाए। प्रशासन को इतना होना चाहिए था, हमारे हम गरीब हैं। आज अगर मेरा एक इतनी सी लड़की बच्ची का है, बच्ची को लगेगा उसके भी लगने में जरा सा लगा है, मेरी बच्ची को भी अगर मर जाती, एक ही लड़की है, मेरा क्या होता। उन लोग ने ये भी नहीं सोचा कि इनको कानूनी कार्रवाई से करूं कुछ काम, उसको छोड़ ही दिया। छोड़ना जायज होता है? नहीं होता ना, हाफ मर्डर हूँ। कल अगर मर जाती पूरा तो मैं कहाँ जाती, मेरा तो बच्चे भी अतिम हो जाता, आदमी है मर्द है शादी कर लेता, क्या होता। ये भी नहीं सोचा, कोर्ट में भी मेरा अभी तक दरखास्त भी नहीं गया, मैं कोर्ट में दरखास्त करूँ कहाँ करूँ, मेरे पास इतना कोड़ ही नहीं है जो मैं कोर्ट में भी करूँ इसमें भी करूँ भागूँ। मैं बस चाहती हूँ मेरे को इंसाफ मिले, बस मुझे और कुछ। जी आपको भी इसमें चोट आई है, तो आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी बहन है, दूध पिला दी और चाकू से हमला कर गया, अब मैं बचाने के चक्कर में मेरा हाथ चुट गया। जी आप देख सकते हैं किस तरह से इनको भी चाकू से हमला किया गया है, और एक 3-4 चाकू था मुझे हमला कर रहा, मैं बचाने के चक्कर में मेरा हाथ। और आसपास के लोग बचाने की कोशिश नहीं किए क्या? कुछ भी नहीं, नहीं कोई नहीं, वो हरामी बदमाश है, कोई गवाही नहीं दे रहा। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर? इस घटना पे ये बोलना चाह रही हूँ जो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, जो आज इसको चाकू मारा कल और किसी को चाकू मारेगा, और यहाँ पे ऐसा लोग है जो उसकी बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलना चाह रही है। वो है क्या है, पुलिस वाला फोन तो पैसा खा के उसको छोड़ दिया, उसकी बीवी बोल रही है हम तो 7 लाख रुपया दे के आई है, लागे और भी पैसा देंगे, रोज़ रोज़ इसको धमकी दे रही है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए जो पैसा खा के उसको छोड़ना चाहिए, जो किसी का जी बेटी को मार के वो चले जाएगा, तो इसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। जी आप बताइए। सर मेरा नाम नाजिम है, मैं रूबीना का जीजा लगता हूँ। मुझे पता लगा मेरी साली को केटा नाम के शख्स ने, जो इसको केटा बोलते हैं, उसने चाकू मार दिए तो मैं जगजीवन पहुंचा। जगजीवन में देखा मेरी साली सीरियस थी और मेरे साले को हाथ पे चाकू लगे, तो मैंने पूछा किसने क्या हुआ, उसने बताया ऐसे ऐसे मैं बच्ची को दूध पिला रही थी, वो आया एकदम आकर चाकू मारने लगा, और उसके दौरान में मुझे होश नहीं, मैं अपने अस्पताल में मुझे ले आए पड़ोस में, मेरे भाई ने मेरी बच्ची को बचाने के चक्कर में भाई के भी चाकू लग गए। बहरहाल पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया, मेरी साली ने बताया। पुलिस वाले जो थाने के थाना बरसवा डेरी जो बीट वाले थे, उन्होंने उसको अरेस्ट करके वहाँ से ले गए, ले जाने के बाद उसको मेडिकल कराने लेके गए, मेडिकल भी उसका हुआ है। उसने अपने आप को क्या करा क्या नहीं करा वो उनको पता है। तो पुलिस वालों ने जब इतनी बड़ी हादसा हुआ है मेरी साली के साथ और मेरे साली के साथ, तो मुकदमा 307 लगाना चाहिए या 304 जो भी उस बनता है, तो पुलिस वालों ने पैसे लिए 7 लाख 8 लाख 4 लाख जो भी ली रिश्वत, उसके आधार पर उस पर लगाई 751, जो 751 कभी नहीं बनती है इतने बड़ी हादसे के बाद। आपका कहना है कि हाफ मर्डर का केस बनता है लेकिन उन्होंने लड़ाई झगड़े का केस बनाया है? जी जी जी, लड़ाई झगड़े का केस बनाया है, और जबकि डॉक्टर भी कह रहा है ये तो बहुत सीरियस। डॉक्टर वालों ने बाबू जगजीवन राम में लेकर गए मेरी साली को, साले को उन्होंने देख कर ट्रीटमेंट कर लोग लागे अस्पताल रेफर कर दिया, क्योंकि हालत सीरियस थी। कि दूसरे एक अस्पताल है, दूसरे अस्पताल में जब ट्रीटमेंट के लिए भेज रहे हैं तो हालत तो सीरियस है, तो उसमें साथ क्या लड़ाई झगड़ा क्या मोल होता है। तो पुलिस वालों ने अपनी रिश्वत ली, आईओ ने थाने ने जैसे भी जिनसे भी जिसके हाथ में केस थे उसको छोड़ दिया। अब वो आकर और धमकी दे रहा, आगे को और हादसा है, उन्हें बहुत से ऐसे केस भी यहाँ पे लोगों के साथ और भी वारदात। तो आपने पुलिस वालों से बात करने की कोशिश की, क्या बोला उन्होंने? पुलिस वालों से बात करी, आईओ से बात करी, आईओ ने कहा जी सेक्टर 11 वालों ने
उन्होंने छोड़ा है 751 में, तो सेक्टर 11 वाले तो जब भी छोड़ेंगे जब आईजो साहब ने झगड़े का केस लगाया। आईजो साहब पहले ही अगर केस को सही से लगाते तो वो कैसे छोड़ देते, वो तो कोर्ट छोड़ती उसको, तो वो तो सेक्टर 11 वालों के पास तो झगड़े के केस पेश होते हैं, इतने चाकू मारने के बाद झगड़े का केस कैसे लगेगा। अच्छा आईओ कौन है इस केस के? इस आईओ का नाम मालूम नहीं है, आईओ ने उसकी रिकॉर्डिंग है, आईओ की रिकॉर्डिंग है, आईओ से बात करी तो आईओ ने तो सीधा उस पर टाल दिया। जब थाने वाले अरेस्ट कर रहे हैं, आईओ अरेस्ट कर रहे हैं, तो वो हल्का केस लगा कर तो पेश कर रहे हैं। अच्छा, आपने रिकॉर्डिंग की है तो रिकॉर्डिंग में क्या चीज़ है? उसने बोला भाई उन्होंने पैसे लिए जो भी लिए भाई सेक्टर 11 वाले एसीपी साहब ने छोड़ा, उन्होंने जो रिकॉर्डिंग है मैं आपको सुना देता हूँ, निकाल कर देखो उसकी रिकॉर्डिंग, मेरी सिस्टर ने बात करी समझे, उसकी मैं रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। मार ये पता चला डॉक्टरों का कागज तो दे दिया, नहीं वो बात तो तुम्हारी भाई देखो सही है। देखो दूसरी बात, इतना बड़ा हंगामा करके कल को जान का खतरा हो जाता तो क्या होता, और जान से खत्म कर देता कोई भी नहीं था, पेट में चक्कू मारा, हाथ में चक्कू मारा, ये तो गलत बात है ना कि 307 ऐसे तो कोई भी हमला करेगा तो तुम क्या हो गए, क्या नाम है, 307 थोड़ी है, 307 का केस है ना चाकू मारने वाला, तो हाँ तो मैं अभी बात करते रही हूँ, अभी मीटिंग में बैठे अभी बात कर रही हूँ, तो यही सारी बात है। तो हम तो सोच रहे वो जेल चला गया, इसलिए थोड़ा सा हम फ्री यानी अपनी साली को घर में आराम करने के लिए छुट्टी मिली 3 दिन में 4 दिन में। हमें तो कल पता चला, नहीं 4 दिन के बाद जब लड़के आए धमकी दे के गए, और भी भाई वो तो मारेंगे और इसका बदला हो लेंगे, हमारे 7 लाख भी लगे हैं और हमारे को हम तो छूट गए, लेकिन दोबारा फिर मारेंगे मौका मिलने पे। उसने पहले भी कई यहाँ पे वारदात कर रखी है, मर्डर भी कर रखे हैं, अब हमें खुद को खतरा है, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। तो आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की है अभी तक? पुलिस से शिकायत करी, पुलिस ने कोई भी देख लो आप, अभी तक पुलिस नहीं आई, ना कोई एक्शन है ना कुछ है। मेरी साली साहब नहा पड़ी है, साला नहा पड़ा है घर अकेला, और हम खुद घर से नहीं निकलने डर के मारे, और पुलिस वालों ने बयान भी नहीं लिए, हाँ जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ, अभी तक यानी जिस 5-6 दिन हो गए। अच्छा आपको हमले की धमकी मिली है, तो अब आप क्या एक्शन लेने वाले हैं? हम चाहते हैं उसको अरेस्ट करें जो हमारी जान को बचे, यानी मेरी साली को, हमारे सबकी जान को बचे, और आगे आसर ना हो। आप लोग कोर्ट का रुख भी करने वाले हैं? ऐसा करेंगे, जब यहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं होगी तो आगे कोर्ट पे भी जाएंगे, क्योंकि हादसा बड़ा है और आगे को और बड़ा ना हो जाए हादसा, ऊपर जैसे भी आगे कार्रवाई करेंगे। हम तो थाने पर रुके हुए थे इतने दिन, थाने वालों ने तो पैसे लेकर उसको छोड़ दिया, अब देख रहे हम आगे कोर्ट जाएं या डीसीपी साहब के पास पेश हों, वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि आगे बड़ा हादसा होने को उम्मीद लग रही है। जी आप लोग अभी बता रहे थे कि साइन भी और अंगूठा भी गलत तरीके से लगाया गया। बिल्कुल अंगूठा प्लेन कागज़ पर ले लिए, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने कहा कार्रवाई होती है तुम्हारे लिए फ़ायदा होगा, उन्होंने अंगूठा ले लिए मेरी साली के भी मेरे साले के भी, उस पर टोका कह नहीं नहीं कोई बात नहीं, अंगूठे ले लिए और उसको क्या करा नहीं करा वो उनको पता है, हमें नहीं पता अंगूठे लेकर उन्होंने क्या कागज़ बनाए उसके, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं जो बात है। तो आप लोगों ने क्यों अंगूठे पे उस पर साइन कर दिया, अंगूठा लगा दिया? तो ये सोचा प्रशासन है पुलिस है हमारे फेवर में काम करेगी, लेकिन हमें क्या पता वो हमारे खिलाफ काम कर रही है, हम अब विश्वास किस पर करेंगे भाई, हमारे साथ क्राइम हुआ है, हमारे साथ अत्याचार हुआ है, तो हम तो ये सोचेंगे पुलिस को कंप्लेंट करें, अब पुलिस पे ही तो भरोसा करेंगे, अब पुलिस अंगूठा ले रही है जो ले रही है हम तो देंगे, क्योंकि हम गलत नहीं है, अब पुलिस अंगूठा लेकर जो भी कर वो बताए कि ना उसने क्या करा, अभी तक तो हमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, उल्टा उसे छोड़ और दिया। जी आपने क्या कुछ देखा था? मैंने देखा वहाँ पे 15 मिनट पहले क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, एक बीड़ी की वजह से लड़ाई हुआ वहाँ पे, उसके बाद वो यहाँ के लड़ाई वहाँ की छुट छुटा हो गई, यहाँ पे आके बैठी मैं ऐसे दुकान पे बैठी हुई हूँ, बहुत से बैठे हुए हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं खड़े हुए हैं, इधर से आया आते ही उसको जो चक्कू मारा यहाँ कंधे पे जो लगा वही ऐसा हो गई, बच्ची गोद में थी उसके गोद में लड़की थी जो ऐसा आड़ हो गई, फट से खड़ी हुई वो बच्ची को एक बच्चे ने छीन लिया, फिर उसने पेट में फटाफट चक्कू मारा, उधर से एक बच्चे ने छीन जो उसको अपनी तरफ को खींचा, इसने जो खींचा वो गिर गया जो सिर फूटा उसका, जो सिर फूटा उसके हाथ में ब्लेड भी था, तो ऐसे लड़ाई इस तरीके से लड़ाई हुई है, किसने मारा नहीं मारा वो हमने नहीं देखा, भीड़ के अंदर उसको लड़कों को किसने मारा नहीं मारा वो हमने नहीं देखा, लेकिन यहाँ चक्कू मारा सब ने देखा, पूरी पब्लिक ने देखा, हमने भी देखा।
जरा सी बात के ऊपर बात होती तो मुंह से होती, ऐसे मारना नहीं चाहिए था। जो बच्ची को लग जाता उसकी गोद में एक लड़की थी, उसको जो लड़की को लग जाता, ये तो गलत है ना, इसका इंसाफ होना चाहिए। केटा नाम का बदमाश एक व्यक्ति से, जिसका नाम बताया जा रहा है दिलसाद, उससे गाली दे करके बीड़ी मांगता है, जिसके बाद दिलसाद उसको दो थप्पड़ जड़ देता है। दोनों में विवाद होता है और उसके बाद मामला चाकूबाजी तक पहुंच जाती है। दिलसाद की पत्नी को चाकुओं से हमला किया जाता है और उसको कई बार घायल किया जाता है, उसके पेट में और हाथ में चोट लगी है। महिला पुलिस में शिकायत करती है, पुलिस में FIR दर्ज की जाती है, जिसके बाद पुलिस भी गलत तरीके से FIR दर्ज करती है। महिला का कहना है कि ये लड़ाई झगड़े का मामला नहीं है, ये हाफ मर्डर का मामला है, उन पर बुरी तरह से हमला किया गया है और उनकी जान भी जा सकती थी। केटा नाम का बदमाश है, उससे 7 लाख रुपए लेकर के केस को रफा दफा करने का प्रयास किया है और उसे जेल से रिहा कर दिया है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है कॉमेंट करके बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज़तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।